दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अतुल मौर्य। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकान के टाई बीम या जिसे आप नॉर्मल भाषा में लिंटर कहते हैं कि उसकी मोटाई कितनी होती है और कितने इंच की दीवार पर उसकी कितनी मोटाई होनी चाहिए और कितने लंबाई पर होनी चाहिए और उसमें कौन सा सरिया का प्रयोग करना चाहिए। तो हम आज इन सब विषयों के बारे में बात करेंगे। अगर आप मकान बनवा रहे हैं, अगर आप नया मकान बनवा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे कितना बड़ा कितना मोटा बनाएं, तो इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा कि 5 इंची की दीवार पे कौन सी रहेगी और 10 इंच की कौन सी दीवार पर रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि ये एक दरवाज़ा जोड़ा गया है, दरवाजे का फ्रेम है ये, और यहाँ पे ये जो ढाला गया है यही लिंटर कहलाता है। इसे आप लिंटर या फिर टाई बीम, क्योंकि ये क्या होता है कि ये यहाँ से, चूँकि ये लिंटर है, देखिए टाई बीम वो होगा जब जाके पिलर से ऐसे खुला हुआ सिरे से यहाँ से जब फंसेगा तो ये टाई बीम कहलाएगा, लेकिन ये चूँकि यहाँ पे केवल ऐसे थोड़ा सा गड्ढा काट के बनाया गया है तो ये यहाँ पे लिंटर कहलाएगा। और इसकी मोटाई की बात की जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 5 या 6 इंच का बनाया गया है। ये बहुत ही हैवी लिंटर बनाया गया है, क्योंकि देख सकते हैं कि वो जो ईंट है उसे दोगुने मोटाई में इसको बनाया गया है। और ऐसे ही मकान की मजबूती के लिए आपको जितने भी दीवारें होती हैं उन सभी में, भले ही दरवाज़ा हो या ना हो, जैसा कि मैं ये दिखा रहा हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए, ये वाला देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जहाँ भी आपका दरवाज़ा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, इन्होंने पूरे चार मकान में घुमा दिया है। इससे मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मकान की, क्योंकि दीवार जब भी मान लीजिए कि अगर आप 5 फीट नींव लेते हैं, फिर जब बालू जैसे कि ये भरा गया है, फिर मिट्टी भरते हैं, तो क्या होता है कि हल्का सा बैठता है, जब भी 1-2 mm भी बैठेगा तो दीवार ऐसे हल्का सा चिरक जाता है या तो मतलब हल्का सा एयर ले लेता है, सांस ले लेता है। तो ऐसे जब इतना हैवी जब लिंटर रहेगा बीच में तो ये क्या करेगा कि उसको बैठने नहीं देगा, ये आपस में, क्योंकि देखिए नीचे एक बार ये वाला हो गया बीम ना, ये वाला हो गया प्लिंथ बीम, ये हो गया लिंटर बीम और ये ऊपर हो जाएगा टाई बीम। आपको 3-3 बीम जब मिल जाएंगे तो क्या होगा कि मकान का जो दीवार रहेगी ये बहुत ज़्यादा हैवी बन जाएंगी। और इसकी मोटाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे है, ये है 1 ईंट का और ये यहाँ पे ऐसे और ऐसे करीब करीब 5 या 6 इंची का बनाया गया है। अब आपके मन में ये शंका होगा कि ये कितने मोटे दीवार पे बनाया गया है, तो दोस्तों इसका जवाब है केवल 5 इंच की दीवार पर, क्योंकि ये फ्रेम देख सकते हैं ये केवल इसे आप 5 इंची की दीवार पर बनाया गया है, ये 5 इंची की दीवार पर इतना मोटा लिंटर बनाया गया है। कहीं भी इसका प्रयोग किया गया है, मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ कि कहीं भी इसका प्रयोग किया गया है तो हमेशा मोटा है। देखिए यहाँ पे भी बनाया गया है इसको, यहाँ पे ये ऐसे करके, तो ये भी ये टाई बीम है और इसे 5 इंची 5 इंची 6 इंची ज़रूरत के हिसाब से। जो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर आप फ्रेम लगा रहे हैं लकड़ी का लोहे का, तो उस पर भी निर्भर करता है कि आपको कितना चौड़ा बनवाना है। अगर मान लीजिए कि लोहे का रहता है तो थोड़ा सा कम लोड रहता है, तो उस पर लोग क्या करते हैं कि जो बीम ढाला गया है ये वाला लिंटर बीम, इसको थोड़ा सा पतला बनाते हैं, चूँकि ये मोटा हैवी लकड़ी का ये फ्रेम है जिसकी मोटाई कम से कम 5-5, 6-6 इंची होगी, देख सकते हैं कितना ज़्यादा मोटा है और ये काफ़ी ठोस भी है। तो वजन को संभालने के लिए ज़रूरी है कि आपका ये जो लिंटर बीम बांध रहे हैं इसको हैवी होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो कुल मिलाकर मकान बनाते समय और इसकी ऊंचाई की बात अगर की जाए, तो जितने पर आपका खिड़की का जाएगा ऊपरी हिस्सा या फिर दरवाजे का ऊपरी हिस्सा, दोनों को करीब करीब मान लीजिए एवरेज 7 फीट पर इस लिंटर बीम को बांधा जाता है, तो इससे मकान में काफ़ी मजबूती आ जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही खास जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलता हूँ तब तक अगले वीडियो में कुछ अगली जानकारी के लिए, और मैं ही रोज़ कुछ ना कुछ नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।